है खास हर अंदाज। अब चाकू किसके पास है? अरे हमारे पास है, शाम को जब जाएंगे जाने से पहले दे जाएंगे। साक्षी एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो वो सिर्फ अग्नि की वजह से है। सपने देखने में और उन्हें पूरा करने में फर्क होता है। आप हमें इस कमरे से बाहर नहीं निकाल पाए, अपनी जिंदगी से खाक निकाल पाएंगे? आज की शाम ना तो रहेंगे भैया और ना रहोगे तुम। ये चाकू ना संभाल के वासु को दे देना। तुम दोनों मिलके जीजी के लिए उनकी पसंद का केक बनाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम केक बनाएंगे, हम और किशन जी मिलकर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा केक बनाए। एक बार किशन और अग्नि को एक कमरे में बंद करते हैं और फिर बाद में किशन और साक्षी को बंद करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ कमरे में रहने के बाद किशन के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बेहुदा बात करते हुए? और हमने अपने किशन को ऐसे संस्कार नहीं दिए। तुम अपने बेटे समीर को ऐसी परवरिश जरूर दे सकती हो। मेरे किशन की अपने बेटे समीर के साथ कभी तुलना मत करना, क्योंकि मेरा किशन तुम्हारे समीर की तरह बिल्कुल है ही नहीं। अब आप अगर मेरे बेटे के चरित्र पर कीचड़ उछाल ही रही हैं तो सुनिए, इस घर में हम सब ने देखा है किशन का अग्नि के प्रति उतावलापन, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किशन और अग्नि का कोई रिश्ता ही ना रहा हो। आई तो हमारी तरफ से अब आएगा मजा। इंस्पेक्टर होकर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाई तो मेरे घर को क्या संभाल पाओगी? सच तो ये है तुम्हारी जैसी लड़कियां घर द्वार परिवार संभाल ही नहीं सकती है। किसका फोन लगा रहे हो? उधर देखिए आप। देखा संजय ने जो है वो अभी पटाखा कहा छोड़ा है। बड़ी माँ तुम्हारे साथ थी? मगर अब नहीं है हमारे साथ, हमको नहीं पता वो कहाँ है। चाची जी वो तोहफा आपने सबके सामने हमें दिया है और सबके सामने। ये बड़ी माँ की आवाज है? तुमने बड़ी माँ को और दादी को एक कमरे में बंद कर दिया? यस। क्या हुआ, क्या हो रहा है यार? जीजी और चाची क्या अंदर साथ में है? छोटी माँ क्योंकि इस बेवकूफ ने उन दोनों को अंदर बंद कर दिया। हम देते हैं। देख लेते तुमको किशन का फोन के साथ छेड़छाड़ करते हुए। चाची हम क्यों किशन के फोन से छेड़छाड़ करेंगे, हमें तो उसका वो पासवर्ड भी नहीं मालूम है। यही फोन देना चाहते थे ना तुम किशन का हाथ में। अरे ये आपके पास कहाँ से आया? लाइए दीजिए हमको दीजिए। अरे कैसे बताएगी बुढ़िया तू, देखता हूँ तुझे मैं। हमारे दिल में अग्नि के खिलाफ जो नफरत है उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। छोड़ो ये सब बातें, हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि आप हम पर पहले का भरोसा नहीं करते। हमको इस संदूक को बहुत दूर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। चाचा जी कहीं आप इसमें हमारी दादी को लेकर तो नहीं जा रहे? कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम ये बात भूल रहे हो क्या, हमारी एक पोती जो है अग्नि उप पुलिस अफसर है। छोड़ेगी नहीं तुमको। छोड़ेगी तो तब ना जब पकड़ेगी। हाँ अग्नि बिटिया, हम ना हमारा मोहल्ला के सहेली के साथ ना यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। भूल जाओ ये परीक्षा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल, और वापस कर दो हमें ये मंगल सूत्र और ये सिंदूर। तुम तो जूतों के लायक हो। तुम हमको जूते मारोगी? तुम्हारी इतनी एक किशन को मार के तो हम कभी भी एक्सीडेंट दिखा देंगे, लेकिन हमारा खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि तुमको मार के हम क्या बताएं। ओ हेलो चीटिंग, चीटिंग कर रही हो तुम? वो पता रखो, अंदर रखो। हाँ चीटर कहते हैं। ईमानदारी वाला कोई काम किया है तुमने आज तक? धोखे से तो शादी की और हमारा किशन हमसे छीन लिया। तुम दोनों अपनी दादी को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए आज ही होगा चौथा टेस्ट। अरे अग्नि बिटिया आज तुम बहुत जल्दी वापस लौट आई, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है यशिमा, एक्चुअली दादी को हम कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं लगा उनका, मन नहीं लग रहा था हमारा तो हम आ गए। मुकरी को बोल दिया अगर कोई काम होगा तो वो हमें कॉल कर देगा। फाइल भी हम ले आए हैं, जो काम होगा हम घर पे कर लेंगे। अच्छा बेटा कुछ खाओगी तुम?
साक्षी तुम भी कुछ खा लो। हाँ हमको कुछ नहीं खाना है। अम्मा जी देखिए ना, समझाइए ना इन दोनों को, सुबह से अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया है इन लोगों ने। खा लो बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। साक्षी अग्नि तुम दोनों कुछ खा लो ना। देखो बिना कुछ खाए ऐसे तो तुम्हें दादी मिलने जाएंगी, और वैसे भी तुम्हारी दादी ने बताया ना कि वो तीरथ पर चली गई है, फिर तुम दोनों इस तरह से क्यों परेशान हो रही हो। किशन भैया आओ ना, हम लोग एक मैच खेलते हैं, आप और अग्नि भाभी एक टीम में, मैं और साक्षी दीदी एक टीम में, ठीक है? सुन यार, थोड़ी देर बाद में खेलें, चलेगा? दादी, रेडी हो? तू भी तो तैयार हो। अरे मुझे क्या करना है, करना तो सब आपको ही है। हाँ, मुझे करना। 3, 2, 1, एक्शन। हे भगवान, हे भगवान, मुझे तो उठा ले, उठा ले, जितने दिन भी बचे हैं यहाँ पे, क्या करूँ यहाँ। मैंने तो सोचा था कि बच्चों के हंसते खेलते इस दुनिया से ही चली जाऊंगी, पर नहीं नहीं, इन लोगों के चेहरे तो हमसे भी ज्यादा मुरझाए हुए, ना कोई बात करता है ना कोई कुछ खेलता है। भगवान मुझे उठा ले। इस इलेक्ट्रिक प्लग को जैसे ही कोई लगाएगा, फिर ध्वनि मशीन चलाने वाले इंसान का वो हश्र होगा कि फिर वो सोच भी नहीं पाएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सीधे परलोक सिधार जाएगा। किशन बेटा, ये मशीन तुम चला कर देखो ना। आओ आओ आओ, इधर आओ। आप कहते हो तो यूज करके देखता हूं। ज्वरासुर द्वारा आघात हुए नौका निर्माण से निराश सखाओं का मनोबल बढ़ा। श्री कृष्ण लगाते हैं नवीन युक्ति। जब महावन जल गया तो हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? मैं बताता हूँ दाऊ कि हम कहाँ से लकड़ियाँ लाएंगे। लड़ाई आएगा, लड़ाई पूरा ब्रजमंडल उसमें डूब जाएगा, डूब जाएगा। आया है सबका काल, लाया है। ये देखिए, कोई आइस लेके आओ प्लीज जल्दी। हैरी डॉक्टर हो ना आप, देसी इलाज क्यों कर रहे हो? विदिता से कोने में जाके आप ही बात कर रहे थे ना, वो दवाई का, किसी की तबीयत खराब होने का। मुखौटो की इस पार्टी में सभी चेहरे नकली, अभी भी मुझे पूछना पड़ेगा या तुम खुद अपने इस दोस्त का असली इंट्रोडक्शन दो। पावन स्थल पूजा पाठ करने वाली सुहागिन महिलाओं के लिए है। यहाँ तुम जैसी महिला का तो साया भी नहीं पड़ने देंगे हम। हम भी देखते हैं कि आज हमारी बापू को हमारे बापू की लंबी उम्र के लिए पूजन करने से कौन रोक सकता है। जय बजरंग बली। लो भैया ये प्रसाद खा लो। हा? मैं भिखारी नहीं हूँ। ये आवाज तो हमको कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप तो भरभूती जी है, हाइती है यहाँ। एकदम सही फरमाया आपने। हम ना आश्रम खोले हैं, आप चलकर हमारे साथ वहीं रहिए। चलिए अले टिके भैया, देखिए हमको ना एक तो गरीब आदमी और मिल गए हैं। अरे किस भिखारी को पकड़ लाई तुम यहाँ? ये कहाँ है भिखारी, ये तो भरभूती जी है। किंतु महाराज बस आचार्य, हमने अपना निर्णय ले लिया है, अब हम अपना निर्णय बदलने वाले। जाइए हमसे और जाकर भारमल के राज तिलक की तैयारी कीजिए। उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की, उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की। राजा विक्रमादित्य, आपने ये सोच भी कैसे कि आप हमें अपराधी और स्वयं को न्याय प्रिय बनाकर यहाँ से चले जाएंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। सामान उठा और निकल यहाँ से। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, चली जा यहाँ से, वहीं अपनी गंदी दुनिया में। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आपकी बहू प्रेग्नेंट है। कौन हो सकता?